युक्रेन रे भारतर ऑपरेशन गंगा 219 छात्र छात्रों को धरी मुंबई रे पहुंचला विमान। युक्रेन रे फसी रही भारतीय माने विमान रे आसी मुंबई विमानबंदर रे पहुंचछंती। युक्रेन रु विमान उड़ाण आरंभ करबा पूर्वरु छात्र छात्रों आगे अभिभाषण रखिथिले भारतर राष्ट्रदूत राहुल श्रीवास्तव। यहां परे विमान उड़ाण भरिथिला। रूस आक्रमण कारणरु युक्रेन रो आकाशमार्ग बंद रही फलरे सेठारे फसी रही भारतीय नागरिकंकु आणिबा पई विकल्प मार्ग चयन करा जायछि। भारतीय नागरिक युक्रेन रु बस जरिए रोमानिया रे पहुंचुछंती। सेठारु एयर इंडिया विमान जोगे तांकु भारत अणा जाउछि। फसी रही अन्य छात्र छात्रींकु मध्य उद्धार करबाकु चालिछि मिशन। मुंबई विमानबंदर रे पहुंचिया परे सेमानंकु आगरे भाषण रखिथिले शिल्प और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। एही समय रे सेमानंकु मुहरे हस परिलक्षित होइथिला। बेस किछ समय पई भाषण देथिले गोयल। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना, आपके पास उनके नंबर्स होंगे, प्लीज कन्वे टू देम नॉट टू वरी एट ऑल, वी विल, वी आर कमिटेड टू गेट एवरी ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम इंडिया ट्वीट करि पीयूष कहिछंती प्रतिटि भारतीयको किपरि सुरक्षित भारत अणाजीव से दायित्व तुलाउछंती मोदी सरकार। क्रमागत भाबे एथिपई काम चालिछि। या व्यतीत वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर ट्वीट करि भारतीय नागरिकंकु स्वागत जणाइछंती। से लेखिछंती वेलकम बैक। सेपटे सुरक्षित प्रत्यावर्तन पई मोदी सरकारंकु धन्यवाद जणाइछंती छात्रयात्री। कहिछंती सुरक्षित फेरिबा नै भारत सरकारंक उपरे पूर्ण भरोसा थिला। जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता में थे कैसे हमारे सब भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित देश में जल्द से जल्द वापस आ सके। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। सिचुएशन इज नॉट गुड देयर बिकॉज एज वी ऑल नो Rakeev has been about to captured and we are very afraid about that situation, but our Indian government took this initiative and we are happy, very happy for this initiative. So Indian government में तो हम शक कर ही नहीं सकते क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा, तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकी पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे, लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था, कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन सब बहुत अच्छा था। यस, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को और थैंक यू, मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें वहां से निकाला, और हमारे एमडी हाउस के हेड माननीय श्री सुनील जी शर्मा, उन्होंने हमारी व्यवस्था की चरण विस्तृत से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने में और कोई तकलीफ नहीं हुई और हम अभी पहुंच गए इधर। युक्रेन में फंसी रही अन्य नागरिकों को भारत फेराई आने को चली ऑपरेशन। खूब शीघ्र समस्त भारतीयों को सुरक्षित प्रत्यावर्तन करने तैयार रही स्वतंत्र विमान। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।